हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज इस्तिस्ना। इस्तिस्ना इज बेसिकली अ सेल कॉन्ट्रैक्ट जहाँ एक परचेजर होगा और एक सेलर होगा, ठीक है। और इस्तिस्ना का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ये नॉर्मली इन प्रोडक्ट्स पे होता है जिनको मैन्युफैक्चर किया जाता है, ठीक है। सो इस्तिस्ना इज अ सेल कॉन्ट्रैक्ट जो कि किसी चीज़ के ऊपर किया जाएगा, और वो चीज़ कौन सी होगी जिसको हम लोग मैन्युफैक्चर करेंगे। इस्तिस्ना के अंदर एक अल मुस्तस्नी एक टर्म है। अल मुस्तस्नी का मतलब है द अल्टीमेट परचेजर, जिसने खरीदना है। अल मुसानिया जिसने बेचना है, एंड अल मंसू जिस चीज को बेचा जाएगा। सो इस्तिस्ना के अंदर तीन टर्मिनोलॉजीज हैं जिसको हम अगर इंग्लिश में कहें द अल्टीमेट परचेजर, देर विल बी अ सेलर, एंड देर विल बी अ सब्जेक्ट मैटर फॉर सेल। इस्तिस्ना स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है। ये स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट इसलिए है कि इस्तिस्ना के अंदर जिस चीज़ को बेचा जा रहा होता है वो अभी मैन्युफैक्चर होना होती है, चाहे वो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर हो, चाहे वो रॉ मटेरियल से कोई हाउस कंस्ट्रक्ट हो, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो, या कोई गाड़ी असम्बल हो। सो अभी वो चीज़ अवेलेबल नहीं होती, लेकिन उसका कॉन्ट्रैक्ट इन एडवांस कर लिया जाता है। द कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट ऑफ इस्तिस्ना हैज अ करेक्टरिस्टिक्स, इसमें सर्टेन करेक्टरिस्टिक्स हैं। पहली, द सेल ऑफ प्रोडक्ट नॉट अवेलेबल एट द टाइम ऑफ सेल। इस्तिस्ना इसीलिए स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है कि जिस चीज़ को बेचा या जिस चीज़ के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा होता है, आप बल्कि इसको हम सेल के अंदर ना लेके जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। द थिंग विच वी आर सेलिंग, उसके ऊपर जो कॉन्ट्रैक्ट लिखा जाता है वो उस वक्त लिखा जाता है जिस वक्त वो चीज या कमोडिटी अवेलेबल नहीं होती। सेकेंडली, डेफर पेमेंट अलाउड है इस्तिस्ना में भी, ठीक है। और इस्तिस्ना के अंदर जो पेमेंट है, इस्तिस्ना कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट पेड, यानी इस्तिस्ना की जो पेमेंट है वो एट द टाइम ऑफ डील नहीं होती। एट द टाइम ऑफ डील क्यों नहीं होती? क्योंकि जो चीज मैन्युफैक्चर हो रही होती है तो देयर इज पॉसिबिलिटी कि आप उसकी जो पेमेंट है वो बाय इंस्टॉलमेंट कर दें, या ये भी पॉसिबिलिटी है आप सारी उसकी एडवांस कर दें। सो डील जब कंक्लूड हो जाती है तो कंक्लूजन ऑफ डील के अंदर लिखा जाता है कि पेमेंट किस तरीके से की जाएगी। अच्छा, इसमें इजारा का कॉन्सेप्ट भी आ जाता है। इजारा का कॉन्सेप्ट इसलिए आता है क्योंकि बीइंग एन इस्तिस्ना कॉन्ट्रैक्ट होल्डर, आपने जो चीज़ बनवानी है तो जो भी सेलर है वो लेबर को हायर करेगा या लोगों को हायर करेगा, किसी की सर्विसेज को हायर करेगा, सो दैट जो भी आपकी प्रोडक्ट है उसको प्रॉपरली मैन्युफैक्चर किया जा सके। सो इजारा की जो सर्विसेज टर्म हायर हैं तो उसको वो यहाँ इम्प्लीमेंट होती है। जब हम बात करते हैं कि हमारे पास बैंक आ जाता है दरमियान में, तब क्या होगा? बिकॉज देर इज अ पार्टी ए, देर इज इस्लामिक बैंक, एंड देर इज अ पार्टी बी। ए बैंक के पास आता है और बैंक को कहता है कि मुझे एक सर्टन गुड चाहिए। लेट से हम ये कहते हैं कि बैंक के पास आकर बैंक को कहता है कि जी मुझे एक बिल्डिंग बनवा दें, ठीक है जी। बैंक इसके साथ इस्तिस्ना का कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा, कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1 कहलाएगा। इस इस्तिस्ना के कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक ए ने आई बी को, यानी ए पार्टी ने इस्लामिक बैंक को कहा कि मुझे एक हाउस मैन्युफैक्चर या बिल्डिंग मैन्युफैक्चर करवा दें। बैंक ने कहा जी हम आपको बिल्डिंग मैन्युफैक्चर करवा देते हैं, उसकी जो भी प्राइस होगी वो यहीं कंक्लूड कर ली जाएगी डील के अंदर कि हाँ जी इसकी टोटल प्राइस कितनी होगी, कितनी इंस्टॉलमेंट में इसको पे किया जाएगा और इसके ऊपर प्रॉफिट क्या होगा, वो सारा कुछ इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा जाएगा। ए पेमेंट के शेड्यूल के साथ साथ ये भी बताएगा कि मुझे उसके अंदर क्या क्या चीज़ें चाहिए, यानी स्पेसिफिकेशंस भी प्रॉपर बताई जाएंगी। लेट से 5 मरले की बिल्डिंग चाहिए, डबल स्टोरी चाहिए, उसमें कितने कमरे होंगे, कितने वॉशरूम होंगे, फर्श कैसे होंगे, केबलिंग कैसे होगी, सारा कुछ उसकी स्पेसिफिकेशन डिज़ाइन आईबी को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आईबी इन रिटर्न उसके साथ डील कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेगा
और इस डील कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डेट ऑफ डिलीवरी यानी डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ बिल्डिंग भी लिखी जाएगी, और इसके अंदर ये भी लिखा जाएगा कि पेनल्टी अगर इन केस लेट होगा तो क्या होगा, यानी ये कहा जाए कि हम पूरा फुल फ्लेज कॉन्ट्रैक्ट ए और बी के दरमियान कर लें। बिकॉज आई बी जो है वो बैंक है और बैंक इट्सेल्फ वो प्रोड्यूस नहीं करता घर, तो लिहाजा ये एक बिल्डर को ढूंढेगा, या यूं समझें कि ये किसी ना किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी को ढूंढेगा। उस कंस्ट्रक्शन कंपनी को सेम स्पेसिफिकेशन जो ए ने दी होगी वो ही प्रोवाइड कर दी जाएगी, और बी के साथ वो डेट ऑफ डिलीवरी, पेमेंट शेड्यूल और सारा कुछ तय कर लेगा। बी को कहेगा आप मुझे घर बना दें, मैं आपको पेमेंट शेड्यूल बता देता हूँ। अगर तो बी कहेगा जी मुझे सारे घर के एडवांस पेमेंट कर दें, तो आई बी को सारी एडवांस पेमेंट करनी पड़ेगी। देयर इज अ पॉसिबिलिटी बी आई बी को कहे कि आप मुझे पहले ग्रे स्ट्रक्चर के पैसे दे दें, फिर फिनिशिंग के पैसे दे दें, तो दैट इज पॉसिबल, यानी दो या तीन डेफर पेमेंट इंस्टॉलमेंट पे दी जा सकती है। अब यहाँ बेसिकली दो कॉन्ट्रैक्ट हो गए, पहला कॉन्ट्रैक्ट हुआ ए और आई बी के दरमियान, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ आई बी और बी पार्टी के दरमियान। ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, ए उसको उस कॉन्ट्रैक्ट से कोई लेना देना नहीं है, ए को इस कॉन्ट्रैक्ट से कोई लेना देना नहीं है जो इस्लामिक बैंक और बी पार्टी के दरमियान है। बी पार्टी को इस्लामिक बैंक कैसे पेमेंट करता है, बी पार्टी उसके अगेंस्ट कैसे मैन्युफैक्चरिंग करती है, क्या डेट ऑफ डिलीवरी है, ए का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन क्योंकि इस्लामिक बैंक ने जो घर बी को बनाने को कहा है वो ए की वजह से कहा है, तो इस वजह से हम कहेंगे पहले ये कॉन्ट्रैक्ट यानी फर्स्ट इस्टसना कॉन्ट्रैक्ट होगा, देन सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट होगा। ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट एक दूसरे के पैरेलल चलेंगे, बिकॉज ए को जो डिलीवरी डेट दी जाएगी वो आई बी बेसिकली बी की डिलीवरी डेट के मुताबिक होगी, यानी डिलीवरी डेट्स दोनों की तकरीबन मैच कर रही होंगी। लेकिन क्योंकि आई बी दरमियान में सिर्फ काम कर रहा होता है एज एन इंटरमीडिएटर, जब वो इंटरमीडिएशन के तौर पे काम कर रहा है, सो दैट मींस कि उसने दोनों को एक साथ फुलफिल करना है, यानी ए को जो घर देना है वो बी से लेके देना है, और बी से जो डेट लेनी है वो ए की डेट के बिल्कुल तकरीबन बराबर या उससे पहले हो, तो एंड ऑफ द डे जो बी से चीज़ आई बी को मासूल होगी, यानी बी जो घर कंस्ट्रक्ट करके देगा वो आई बी ए को सेल कर देगा, और दरमियान में जो भी उसका क्या कहते हैं वैल्यू में चेंज आएगा वो बेसिकली आई बी कमाएगा। लेट से वो बी बैंक से एक घर लेता है 30 मिलियन का, और इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है आगे जो इसने ए को सेल आउट करना है वो एज़ पर कॉन्ट्रैक्ट उसने 31 मिलियन का करना है, तो वैल्यू डिफरेंशियल के तहत जो भी 1 मिलियन है वो बेसिकली आईबी का होगा। ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट बार बार रिपीट कर रहा हूँ पैरेलल होंगे, लेकिन ये इंडिपेंडेंट होंगे। अगर लेट से अगर लेट से हमारे पास जो आई बी है ये फुलफिल नहीं करता, ये अपना कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं करता, इसका ऐसे कोई ताल्लुक नहीं है, इन दैट केस जो पेनल्टी भरेगा वो आई बी भरेगा, यानी कि बी से जो चीज़ उठाकर या बी से जो चीज़ लेकर आई बी ने ए को देनी थी उसका ए से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि ए ने जो चीज़ रिसीव करनी है वो इस्लामिक बैंक से करनी है। इन अ सर्टन केस अगर बी फॉर एग्जांपल वो चीज़ जो भी मैन्युफैक्चर कर